इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर का लॉग कैसे कैलकुलेट करें। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 1953। तो हमें से लॉग इसका लॉग कैलकुलेट करना है। तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए पहले जो भी नंबर है उसे ऐसे फॉर्म में लिखें कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट हो। तो हम लॉग की प्रॉपर्टी से इसे खोल देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी से ये 3 बन जाएगा। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, पर उसके पहले हमें जो भी नंबर अंदर है उसे ऐसा राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स बचे। तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा लॉग ऑफ 1.95 + 3। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉग टेबल। हम साइड में नंबर लिख लेते हैं 1.95। जो पहले के 2 नंबर हैं उन्हें हम यहाँ मैच करेंगे 19, और जो लास्ट डिजिट है उसे हम यहाँ मैच करेंगे 5। तो हम देखेंगे नंबर क्या आएगा। नंबर आ रहा है 2900। सो हम इसे लिख देंगे कि यह होता है 2900। ये जो भी नंबर आएगा ये डेसिमल के बाद होगा +3। सो ये नंबर बन जाएगा 3.2900। हम चेक करते हैं। हम देख सकते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है। वैल्यू आ रही है 3.290। Thank you.